सेठ के पास बहुत पैसा, बस मैं नहीं। प्रणय रॉय और राधिका रॉय का होल्डिंग कंपनी से इस्तीफे की खबर के बाद एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने दिया इस्तीफा। प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स के पद से इस्तीफा दे दिया। ये कंपनी एनडीटीवी की प्रमोटर ग्रुप व्हीकल है। एनडीटीवी ने मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लिखी गई चिट्ठी में बताया, एनडीटीवी के प्रमोटर ग्रुप आरआरपीआर, राधिका रॉय, प्रणय रॉय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने सूचित किया है कि आज 29 नवंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में तय किया गया है कि सुदीप्ता भट्टाचार्य, संजय पुगलिया और सेंथिल चेंगलवरायन तत्काल प्रभाव से आरआरपीआरएच के बोर्ड में नए निदेशक होंगे और डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने आरआरपीआरएच के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर सुबह से एनडीटीवी सुर्खियों में है। अब इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। लोगों का कहना है कि रवीश कुमार ने बहुत अच्छा फैसला किया है। एक अरसा एनडीटीवी पर गुजारने के बाद रवीश कुमार ने आखिर बहुत ही हार्ड हिटिंग फैसला ले लिया है। एनडीटीवी से रवीश कुमार के इस्तीफे की खबर के बाद सोशल मीडिया पर एनडीटीवी एक बार फिर जमकर ट्रेंड कर रहा है। रवीश कुमार के चाहने वालों का उनके इस फैसले को लेकर क्या कहना है, आइए बताते हैं। पत्रकार निगार परवीन ने ट्वीट किया, टीवी पत्रकारिता में एक युग का अंत, आज रवीश कुमार ने भी एनडीटीवी को अलविदा कहा। आज गोदी मीडिया में खुशी की लहर दौड़ रही होगी, लेकिन इनको नहीं पता बारी इनकी भी आएगी। नफरत के कारोबार में पत्रकारिता को भारी नुकसान होने वाला है। खैर, अच्छा फैसला, रवीश जी की पत्रकारिता को सलाम। एनडीटीवी के सीनियर पत्रकार रवीश रंजन शुक्ला ने रवीश कुमार का कोट ट्वीट करते हुए लिखा, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है, कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती हैं ताकि लोगों को पता रहे कि कोई था जो मैदान में खड़ा था। संजीव नाम के शख्स ने लिखा, ओ रवीश कुमार सर, मैं सिर्फ आपकी ही न्यूज़ देखता था, 9 बजे का मेरे लिए मतलब ही था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार, बहुत दुख हुआ ये जानकर कि आपको अब एनडीटीवी में नहीं देखूंगा। एनडीटीवी भी सिर्फ आपके प्राइम टाइम के लिए ही देखता था, अब ये चैनल भी शायद नहीं देखूंगा। पत्रकार कृष्णकांत ने ट्वीट किया, एनडीटीवी से रवीश कुमार का इस्तीफा, चैनल खरीदा जा सकता है, ईमान नहीं। सुशील असोपा नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया, अडानी की नौकरी थोड़े ही करते, वो करने के लिए तो गुरु चेले हैं ही, सलाम भाई रवीश कुमार जी। और रवीश जी, आप अपने ट्विटर हैंडल से एनडीटीवी भी हटा डालिए। राजेश साहू नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, और इस तरह से मीडिया का एक बड़ा स्तंभ ध्वस्त हो गया, रवीश कुमार ने भी एनडीटीवी को अलविदा कह दिया। निमोताई नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, सेठ के पास पैसा बहुत है लेकिन इतना नहीं कि रवीश कुमार को खरीद सके, रवीश कुमार ने एनडीटीवी से दिया इस्तीफा। ये फैसला तब लिया गया है जब इससे ठीक एक दिन पहले आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपने इक्विटी शेयर की जानकारी दी थी। मीडिया जगत के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि मीडिया जगत से जुड़ी हर अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे।